आज हम बात करेंगे मशहूर जादूगर ग्रिंडलवाल्ड के ऊपर। गैरेट ग्रिंडलवाल्ड जो थे वो एक महान जादूगर थे, और उनके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल एच खबन विजार्ड पे सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रोचक तथ्य हैरी पॉटर के आपको जानने को मिलेंगे, और बेल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रिंडलवाल्ड का जन्म 1883 में हुआ था, और उन्होंने अपनी पढ़ाई बल्गेरिया के डर्मस्टैंग स्कूल में करी। डर्मस्टैंग स्कूल गुप्त कला विज्ञान सिखाने के लिए मशहूर था, और ग्रिंडलवाल्ड एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थे, और वो अपनी क्लास में टॉपर थे, वो हेड बॉय थे, बहुत सुंदर नौजवान थे, और जल्दी ही वह स्कूल में बहुत फेमस भी हो गए, और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में था कि वो गुप्त कला विज्ञान को सीखें। हालांकि वह हिस्ट्री और आर्ट में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते थे, और इस इंटरेस्ट के कारण उनको डेथली हॉलोस का पता चला, और जब उन्होंने डेथली हॉलोस की स्टडी करी तो वो क्रेजी हो गए डेथली हॉलोस को पाने के लिए, और उनका क्रेज इतना ज़्यादा था कि उन्होंने स्कूल की दीवार पे डेथली हॉलोस के निशान तक बना दिए थे। और 16 साल की उम्र में उनको इलीगल मैजिक करने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना खतरनाक जादू किया होगा, क्योंकि यह स्कूल भी डार्क मैजिक का स्कूल है और इसके लिए मशहूर है, और उसमें किसी को इसलिए निकाला जाता है कि उसने एक इलीगल डार्क मैजिक किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक जादूगर होगा। तो ग्रिंडलवाल्ड अब पूरी तरह से फ्री हो गए, और उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बची क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाला जा चुका था, तो उन्होंने अपने डेथली हॉलोस के मिशन को शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने गरुड़ द्वार विलेज गॉथिक हॉलो जाना पसंद किया, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक आंट रहती थी बेथिल्डा बैकशॉट, जो कि एक मशहूर इतिहासकार थी, और उसका सबसे बड़ा एक कारण और था इग्नोटिस पेवरल, जो कि डेथली हॉलोस के कहानी के एक भाई थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास अदृश्य चोगा भी था, तो उनका भी इतिहास वहाँ उस जगह से जुड़ा हुआ है। एक बात और थी कि वो एक बड़ी शांत जगह थी, और वहाँ उनको उनके मिशन में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। जब 1890 में ग्रिंडलवाल्ड गरुड़द्वार गांव पहुंचे, तो वहां पे उनकी मुलाकात डंबलडोर से हुई। डंबलडोर भी वहां छुट्टियां मनाने आए हुए थे। डंबलडोर भी एक बहुत हैंडसम नौजवान थे और बहुत अच्छे मैजिशियन थे, और वहां पे इस एज के लोग कम थे, तो इसलिए ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों की आदतें भी मिलती जुलती थी और उनके बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप थे। उसके बाद वो फ्यूचर प्लान्स बनाते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि डेथली हॉलोस को भी हासिल करना चाहिए, और इसके दो बड़े कारण थे। एक तो वो चाहते थे कि इमोर्टैलिटी मिल जाए, और दूसरा वो एक कानून बनाना चाहते थे जिसमें मगल्स और मैजिशियन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में गुप्त कला विज्ञान को सीख सकें। लेकिन डंबलडोर का इसके लिए एक और भी पर्पस था, वो पारस पत्थर चाहते थे, जिसे हम फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, ताकि वो अपनी माँ को वापस ला सकें। और इसका पीछे जो इतिहास है वो ये है कि उनकी जो सिस्टर है एरियाना, वो एक अप्सुरल बन चुकी थी, और उसी के अप्सुरल ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, और वो अप्सुरल इसलिए बनी थी क्योंकि बचपन में 6 साल की उम्र में उसे कुछ मगल्स लड़कों ने टॉर्चर किया था, और इसके बदले में फादर को गुस्सा आया और उन्होंने जादू का इस्तेमाल उन मगल्स पे किया, और जिसके कारण एचकाबेन में जाना पड़ा उन्हें, और उसी दौरान उसके अप्सुरल ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। तो वो ये भी चाहते थे कि वो पुनर्जीवित लाशों की एक सेना खड़ी करें, तो इसलिए वो ये डेथली हॉलोस को हासिल करना चाहते थे। और ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर के बीच एक ब्लड पैक्ट भी हुआ इसी चीज़ को लेके। कहते हैं कि जो यह कसम होती है इसको अगर पूरा ना किया जाए तो वह इंसान मर जाता है, लेकिन डंबलडोर ने बाद में इस चीज़ को डिस्कवर किया कि इसको तो ड्रैगन ब्लड से तोड़ा जा सकता है, और यह भी डंबलडोर का आविष्कार था। और जब वह जाने के लिए डिसाइड करते हैं, तभी जो डंबलडोर के भाई हैं एल्बरफोर्थ, उनको पता चल जाता है, और वो डंबलडोर को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एरियाना का ध्यान कौन रखेगा अगर वो चले जाएंगे तो। और इसी बात को लेकर ग्रिंडलवाल्ड और उनमें बहसबाजी हो जाती है, और ग्रिंडलवाल्ड उनको पीड़ितों श्राप दे देते हैं, और
इसी चीज को लेके डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड में ड्वेल हो जाता है और उस सिचुएशन के अंदर एरियाना ऑब्सक्यूरल बन जाती है और वो खुद को ही मार लेती है। इससे एल्बस और एल्बफोर्स टूट जाते हैं और ग्रिंडलवाल्ड वहां से भाग जाता है। एरियाना का डेथ का जो दोष है वो ग्रिंडलवाल्ड पे मर दिया जाता है, तो उनको अपना नाम चेंज करना पड़ता है और वो अपना नाम बदल कर रहने लग जाते हैं और वह एक लीडर बन जाते हैं और जल्दी ही वह मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करने लग जाते हैं, ऑरर बन जाते हैं और वहां के हेड भी बन जाते हैं। तो इसी दौरान उनको पता चलता है कि एल्डर वैन कहाँ पे है। एक गैलेट ग्रिंडलवाल्ड जो हैं माइक्यू ग्रेगरोविच नाम का एक वैंड मेकर है जिसके पास एल्डर वैंड है और वह उसकी कॉपी बनाने लगा हुआ है और इस बात की इंफॉर्मेशन ग्रिंडलवाल्ड को मिल जाती है।